पांचवें नंबर पर आता है कोविड-19, वुहान कोरोना वायरस 2019 एनकोव के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की, जिसे 2019 एनकोव प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में 70% जीनोम अनुक्रम पाए गए, जो सार्स कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे, और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े थे। 14 मार्च 2020 तक दुनिया में अब तक इस वायरस के पूरे चीन में मानव से मानव संचरण के प्रमाण है। 9 फरवरी तक व्यापक परीक्षण में 88,000 से अधिक पृष्ठ मामलों का खुलासा हुआ था, जिनमें से कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी थे। 20 मार्च 2020 तक थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, इटली और अन्य 160 देशों में पुष्टि के मामले सामने आए हैं। 23 जनवरी 2020 को WHO ने पहले चेतावनी दी थी कि एक व्यापक प्रकोप संभव था। 31 दिसंबर 2019 को WHO को सूचित किया गया था, जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के संकेत और लक्षण दिखाई दिए उन्हें अलग कर दिया गया था। संभावित रूप से संक्रमित व्यक्तियों के साथ संपर्क में आने वाले 400 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित 700 से अधिक लोगों की शुरुआत में निगरानी की। मूल वुहान में 41 लोगों में कोविड-19 की उपस्थिति की पुष्टि हुई। पूरी दुनिया में अब तक 31,16,992 कन्फर्म केस है और 217,183 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर आता है हांगकांग फ्लू। हांगकांग फ्लू एक फ्लू महामारी थी जिसका प्रकोप 1968 और 1969 में पूरी दुनिया में अनुमानित 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 तनाव के कारण हुआ था। 13 जुलाई 1968 को हांगकांग में प्रकोप का पहला रिकॉर्ड दिखाई दिया। जुलाई 1968 के अंत तक चीन में 1957 के एशियाई फ्लू की घात कथा के बावजूद थोड़ा सुधार किया गया था। टाइम्स अखबार इन नए संभावित महामारी के बारे में आलम बजाने वाला पहला स्रोत था। ऐसी संभावना है कि यह प्रकोप वास्तव में हांगकांग से फैलने से पहले मुख्य भूमि चीन में शुरू हुआ था, लेकिन यह अपुष्ट है। सितंबर 1968 तक फ्लू भारत, फिलीपींस, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक पहुंच गया। यह 1969 तक जापान, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक पहुंच जाएगा। अन्य महामारियों की तुलना में हांगकांग फ्लू में मृत्यु दर कम थी। यह महामारी दो तरंगों में टकरा गई, जिसमें दूसरी लहर अधिकांश स्थानों पर पहले की तुलना में घातक थी। 1969 के अंत और 1970 की शुरू में एक ही वायरस लौटा। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 1 मिलियन लोगों के क्षेत्र में होने का अनुमान है। तीसरे नंबर पर आता है एशियन फ्लू। 1957 के इन्फ्लुएंजा महामारी एशियन फ्लू इतिहास के प्रसिद्ध इन्फ्लुएंजा महामारियों में से एक था। एशियन फ्लू 1956 तक चीन में उत्पन्न हुए एवियन इन्फ्लुएंजा की दो श्रेणी की महामारी का प्रकोप की शुरुआत 1958 से हुई थी। 1957 में H2N2 के लिए एक टीका लगाया गया था और महामारी धीमी हो गई थी। 1958 में दूसरी लहर थी और H2N2 मौसमी फ्लू की नियमित लहर का हिस्सा बन गया। 1968 में H2N2 एशियाई फ्लू मानव आबादी से गायब हो गया। माना जाता है कि यह जंगल में विलुप्त हो गया है। 1957 की महामारी इन्फ्लुएंजा H2N2 महामारी के लिए मुख्य शोध उपकरण थे। एशियाई फ्लू के वायरस की पहचान सबसे पहले गुइजोऊ में हुई। यह फरवरी 1957 में सिंगापुर में फैल गया, अप्रैल तक हांगकांग और जून तक अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में मृत्यु दर लगभग 70,000 थी। बुजुर्ग विशेष रूप से कमजोर थे। विश्वव्यापी मौतों का अनुमान 1 मिलियन से 4 मिलियन तक WHO द्वारा बताया गया। दूसरे नंबर पर आता है स्पेनिश फ्लू। 1918 की फ्लू महामारी स्पेनिश फ्लू इतिहास में प्रसिद्ध इन्फ्लुएंजा महामारी में से एक था। यह एक असामान्य रूप में से घातक और गंभीर महामारी थी जो दुनिया भर में फैली थी। यह इन्फ्लुएंजा महामारी उपदंश H1N1 के एक वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण हुआ था। अधिकांश इन्फ्लुएंजा के ज्यादातर पीड़ित स्वस्थ युवा वयस्क थे।
जो मुख्य रूप से किशोर, बुजुर्ग या कमजोर रोगियों को प्रभावित करते हैं। महामारी जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक चली। यहाँ तक कि आर्टिक और दूरदराज के प्रशांत द्वीपों तक फैल गई। 20 से 50 मिलियन के बीच मृत्यु हो गई, जिससे यह मानव इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। पुराने अनुमान कहते हैं कि इसमें 40 से 50 मिलियन लोग मारे गए, जबकि वर्तमान अनुमान कहते हैं कि दुनिया भर में 50 से 100 मिलियन लोग मारे गए। पहले नंबर पर आता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ बबूनी प्लेग की विनाशकारी वैश्विक महामारी थी, जिसने 1300 के दशक में मध्य में यूरोप और एशिया को मारा था। अक्टूबर 1347 में यूरोप में प्लेग का आगमन हुआ, जो काले सागर से 12 जहाज मेसिन के सिलसिले बंदरगाह पर पहुंचे। वहां पर इकट्ठे हुए लोग एक भयानक आश्चर्य के साथ मिले थे। जहाजों पर सवार अधिकांश नाविक मरे थे, और जो अभी भी जीवित थे वे गंभीर रूप से बीमार थे और काले फोड़े में ढके हुए थे, जो खून और मावा से भरे थे। सिलसिले के अधिकारियों ने जल्दबाजी में मौत के जहाजों के बेड़े को बंदरगाह से बाहर करने का आदेश दिया, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। अगले 5 वर्षों में ब्लैक डेथ यूरोप में 20 करोड़ से अधिक लोगों को मार डाली, महाद्वीप की आबादी की लगभग एक तिहाई। दरअसल 1340 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी ने चीन, भारत, पेरिस, सीरिया और मिस्र को दहला दिया था। ब्लैक डेथ फ्रांस और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। 1348 के मध्य तक ब्लैक डेथ ने पेरिस, बोर्डो, लियोन और लंदन को मार डाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।